हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास टेंथ के जो एक्सरसाइज है 4.2 उसके एग्जांपल क्वेश्चन और कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने दो पार्ट में इसका वीडियो बनाया है। पहला पार्ट में मैं फर्स्ट टॉपिक कवर करूंगा, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे उसकी रूट निकाल सकते हैं, और दूसरे पार्ट में व्हाट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फर्स्ट कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है 4.1 उसका भी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हमें रूट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसके आगे 6 है, नॉन मतलब जीरो नहीं है, और इसकी पावर 2 है। अगर यहाँ जीरो रहता तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता, तो क्वाड्रेटिक नहीं होता। क्वाड्रेटिक होने के लिए हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, ये टर्म रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है, तो स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। 3 रहता तो क्यूबिक कहते हैं, 4 रहता तो बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, 1 रहता तो लीनियर कहते हैं। तो इसकी रूट क्या होगी, रूट का मतलब होता है ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये LHS और RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। एक्स की ऐसी क्या वैल्यू हम पुट करें कि ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। एक्स की 2 वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पावर 2 है। अगर क्यूबिक रूट रहता तो 3 वैल्यू निकालना पड़ता, लेकिन चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक, इसलिए हम सिर्फ 2 ही रूट निकालेंगे। तो चलो बनाते हैं इसे। क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि कौन सा मेथड से बनाना है, तो हम आपको आज बताएंगे कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कैसे बनाते हैं। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा ये कि स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में मतलब फोर्थ लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज श्रीधरनाचार्य मेथड एक होता है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। आज तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बताएंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम आपको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, रूट निकालेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हम जानते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये पूरे टर्म को आप लिख लो, 6x² है 6x², और ये पूरा टर्म क्या है, -2 है, तो कितना आया, -2। इन दोनों का मल्टीपल क्या आएगा, -12x². ठीक, अब आपको इसका क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो माइनस तो मैं बाहर ही रखता हूँ, माइनस को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, 12 का हम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, x² और माइनस को मैं बाहर रखता हूँ, आप भी ऐसे ही करना। तो 12 का फैक्टर निकालो, तो 2 6 12, 2 3 6, तो इसका मतलब 12 का मतलब क्या हो गया, 12 किससे बना है, इन तीनों के मल्टीपल से, 2 × 2 × 3। ठीक है, अब हमें मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म का मतलब होता है कि इस इन सभी नंबर का यूज़ ऐसे करो कि ये मिडिल टर्म वाली वैल्यू आ जाए। तो हम अभी दो चीज़ को छोड़ दिए थे, अगर हम 12 के जगह में ये लिख सकते हैं तो -12x² के जगह में क्या लिखेंगे बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या देखना है, देखो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 × 3, और x² है इसलिए हम x और x लिख देंगे। सवाल है ऐसा क्यों लिखा गया। अच्छा, एक को प्लस करना होगा, एक को माइनस करना होगा, तो आपको देखो यहाँ पर माइनस साइन है, यानी इसको आप प्लस कर दो और इसको आप माइनस कर दो। प्लस तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली प्लस ही होता है, नहीं लिखा तो। तो इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों बराबर, यानी 3 × 4 = 12, माइनस है x × x x², ऐसा लिखने का कारण क्या है, क्योंकि मिडिल टर्म में हमें ये मिडिल वाली वैल्यू चाहिए रहती है। तो -12x² का ऐसा क्या करें कि हमें ये वैल्यू मिल जाए, तो उसके लिए हम याद रखना, उसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अभी हम अगर हम 3 × 6 × 2 करते तो भी 12 आ रहा है, तो 6 और 2 को तो हम कुछ करेंगे तो 1 तो नहीं आएगा, 4 और 3 को कुछ करेंगे तो 1 आ जाएगा, यदि 4 − 3 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमको 1 नहीं चाहिए, हमको -1 चाहिए। ठीक है ना, -1 चाहिए, -x चाहिए, इसलिए हमको क्या करना होगा, -4x और -+3x। तो बस बन गया, 90% क्वेश्चन का काम हो चुका है। आप इसको नोट करो पहले, ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन बनाना है। चलो
अब देखो हमको तो मिल गया है 3x और 4x मिल चुका है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x और 4x, ठीक है। चलो यानी 6x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, इसके जगह में क्या लिख देंगे माइनस 4x, क्योंकि माइनस चाहिए हमको माइनस 4x, या आप पहले प्लस 3x लिखो, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या मिल रहा, माइनस 4x प्लस 3x माइनस एक्स मिल रहा, सही है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 टू जा माइनस 12, यानी माइनस 12x स्क्वायर मिल रहा है दोनों का मल्टीपल। सवाल है मैंने 4x को पहले क्यों नहीं लिखा, बाद में इसको क्यों लिखा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है तो हमको इजीली फैक्टराइज होगा, सिंपल टर्म आएगा। आप 4 लिख करके ही बना सकते थे, माइनस 4x प्लस 3x दोनों सही है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जिसके टेबल में आ जाए पूरा तो उसको हम आगे लिखेंगे, पहले लिखेंगे। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिख दो 6x स्क्वायर। अब इन दोनों में 3 के टेबल में 6 आता है, x के टेबल में x स्क्वायर आता है, तो आप क्या लिखोगे 3x को कॉमन ले लो, 3x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा बताओ 2, और x का x स्क्वायर, x x x स्क्वायर होता तो x आ गया, प्लस यहाँ 3x आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के टेबल में 4 आता है, माइनस माइनस दोनों साइड है, तो आप माइनस लिखो, ध्यान से देखना, अभी माइनस 2 लिख दिया यहाँ पर, तो 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, तो 2x हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन बाहर लिखे हो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 1। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, आप गलती मत करना, माइनस अगर बाहर लिखे हो तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलने से साइन चेंज होता है, पता है आपको ये चीज़। अब देखो हमको कैसे पता चला कि हमने जो किया सही किया है, तो अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आना चाहिए, तो आ गया सेम, तो हमारा जो भी प्रोसेस है यहाँ तक सही है। दिस इम्प्लाइज अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म दोनों जगह है, आप इसको कॉमन ले लो, यानी 2x प्लस 1 लिख दो इस तरह से, ठीक है। तो इसे कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 3x, ठीक, और यहाँ क्या बचा, ये तो कॉमन ले लिया तो माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब रूट निकालना है, मीन्स ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आपको क्या करना होगा, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे। आप यहाँ तक नोट करो पहले, चलो अभी देखो हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1, एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 7 वाला, जो 7 वाला रहता है वेरिएबल के साथ रहता है वो नीचे चला जाता है, तो ये 2 हो गया, तो x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू निकालनी है तो इसे इक्वेट कर दो 0 से, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अब माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x कितना होगा 2 बाई 3। ये दोनों वैल्यू x की वो रूट है, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसको अगर आप पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसको ही रूट कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लो। अब दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेम प्रोसेस है, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस है। क्या है यहाँ पर 3x स्क्वायर है, इंटू यहाँ कितना बताओ 2 है, तो इंटू करो कितना आ रहा 2, दैट इज 3 टू जा 6x स्क्वायर। तो हम x स्क्वायर को छोड़ देते हैं, 6 के साथ फैक्टर निकालते हैं, 6 का फैक्टर। अब 6 का फैक्टर हमको क्या निकालना है, ऐसा दो वैल्यू निकालनी है जिसको ऐड या सबट्रैक्ट करें तो ये वाली वैल्यू आ जाए। अब ज़रा ध्यान से देखना, आप रूट 6 दिया गया है, तो ये हिंट है, ये ट्रिक भी है, मतलब रूट 6 का आपको यूज़ करना है। तो 6 के इससे रूट 6 से आप इसको डिवाइड करो, यानी रूट 6 से रूट 6 अगर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 होता है, क्योंकि रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होता है 6 होता है, आप इसको जानते ही हो। 6 किसके बराबर होता है, रूट 6 इंटू रूट 6। जैसे 2 किसके बराबर होता है, रूट 2 इंटू रूट 2, है कि नहीं, ये चीज़ तो आप जानते ही हो, है ना। तो हमें मिल गया 6 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 रूट 6, ठीक है। तो 6 के जगह में ऐसा लिख सकते हैं, तो 6 एक्स स्क्वायर के जगह में क्या लिखेंगे, रूट 6 एक्स, ठीक है, रूट 6 एक्स इंटू रूट 6 एक्स, ठीक है। अब हमें चाहिए माइनस 2, तो माइनस 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे।
आप बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ रहा है। माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस होता है। फिर से सुनो, माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस होता है। रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स कितना होता है? सिक्स होता है। एक्स इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर होता है। यानी ये और ये तो एक ही चीज़ है, हमने माइनस माइनस लगा दिया। माइनस लगाने का कारण क्या है? क्योंकि हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इन दोनों को ऐसे क्या करें, कैसे ऐड करें या सब्ट्रैक करें कि हमें ये मिल जाए। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ तक नोट कर सकते हो। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आगे फर्दर है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x² माइनस, इसके जगह में क्या लिख सकते हैं बताओ, दो वैल्यू कौन सी हो गई, रूट सिक्स एक्स माइनस माइनस। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस अगर हम लिखते हैं ऐसा, माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस रूट सिक्स एक्स, इसका मतलब क्या होता है? दोनों जगह रूट सिक्स है, आगे कुछ नहीं है मतलब आगे वन है, यहाँ भी आगे कुछ नहीं है मतलब आगे वन है। तो वन प्लस वन कितना होता है? टू होता है। अब आगे लेकिन साइन माइनस है, तो ये क्या होगा, माइनस टू रूट सिक्स, ठीक है। तो हम माइनस टू रूट सिक्स के जगह में क्या लिख सकते हैं, माइनस रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स। तो यहाँ पर हम ये पूरी वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेना है, मैक्सिमम वैल्यू तक कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम रूट सिक्स कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो रूट सिक्स तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ थ्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। आप पहले इसको नोट करो अच्छे से एकदम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखो, तो हम रूट सिक्स को क्या लिख सकते थे बताओ, आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा और अच्छे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थ्री को क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ठीक है, एक्स स्क्वायर आगे इसके बाद है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस रूट थ्री इंटू रूट टू एक्स माइनस, इसको भी रूट थ्री इंटू रूट टू प्लस टू को क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू जीरो। ऐसा लिखने का कारण क्या है, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, रूट ये लास्ट में लिखा गया है, रूट टू इंटू रूट टू मतलब टू का मतलब क्या होता है, टू इज इक्वल टू रूट टू इंटू रूट टू होता है। ऐसा लिखने का कारण ये है क्योंकि अभी आप थोड़ा, जब आप थोड़ा से इंटेलिजेंट हो जाओगे तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये तो बेसिक है इसलिए मैंने लिख दिया है। अब आप कॉमन इजीली ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो रूट सिक्स का मतलब क्या होता है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो रूट थ्री थ्री इंटू टू, आप इसको अलग करके भी लिख सकते हो रूट थ्री इंटू रूट टू, एक ही चीज़ है। तो मैंने यहाँ पर रूट सिक्स को ऐसे ही लिखा है, रूट थ्री इंटू रूट टू एक्स ऐसे ही लिखा है ना। रूट सिक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, सिक्स का मतलब होता है थ्री इंटू टू, आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आप इजीली कॉमन निकाल पाओ। अब यहाँ रूट थ्री है और यहाँ भी रूट थ्री है, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आप किसको कॉमन ले लो, छोटी वैल्यू, यहाँ छोटी वैल्यू वन है और यहाँ बड़ी वैल्यू टू है, तो आप एक्स को कॉमन लो, हमेशा छोटी वाली वैल्यू को कॉमन लिया जाता है। रूट थ्री यहाँ भी है, रूट थ्री यहाँ है, तो रूट थ्री आप कॉमन ले लो और साथ में एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचा, एक रूट थ्री बच गया और एक एक्स बच गया, रूट थ्री इंटू एक्स, ठीक है। माइनस यहाँ क्या बचा, माइनस ये क्या बचा, रूट टू बच गया है, तो रूट टू बच गया, एक्स तो बाहर आ गया है ना। अब माइनस यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, रूट टू है, देखो यहाँ भी रूट टू है। तो अब ध्यान देना, सभी यही गलती करते हैं, आप रूट टू कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बचेगा, रूट थ्री तो इसका आ गया, अब यहाँ दो रूट टू है, लेकिन ध्यान से देखो माइनस साइन था और हमने ब्रैकेट लिया है, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर तो ठीक है ना, ये तो सही है हमारा, तो यहाँ पर x का ये था तो यहाँ भी x होगा, x लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पर x भी तो था, ये x है, यहाँ भी तो x था, ये था ना रूट एक्स सिक्स एक्स, तो रूट सिक्स एक्स को क्या लिख सकते थे, रूट थ्री इंटू रूट टू एक्स, रूट थ्री इंटू रूट टू एक्स, ऐसा आप लिख सकते हो, यहाँ x था
तो ये आ गया x रह गया। अब रूट टू एक बाहर आ चुका है, एक रूट टू अंदर है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन आप बाहर लिख रहे हो। जब भी आप बाहर लिखोगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो गया। कैसे पता चलेगा कि जो हम बना रहे हैं सही बना रहे हैं? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आनी चाहिए, आ गया दोनों सेम। अब इसको कॉमन ले लो, तो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा रूट थ्री एक्स, और ये क्या बच गया माइनस रूट टू, क्योंकि इसको तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ रूट थ्री बचा और यहाँ माइनस रूट टू बचा। दिस इज इक्वल टू जीरो। हमें तो x की रूट निकाल, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक नोट करो आप, फिर इसको इक्वेट करो जीरो से और इसको भी इक्वेट करो जीरो से, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देयरफोर आगे हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको इक्वेट करते हैं, रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या देगा हमको, माइनस रूट टू को उधर भेज दो, तो क्या हो गया रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट टू। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये पूरी वैल्यू इसके नीचे चले जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस था ना, माइनस उधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट टू बाई रूट थ्री। ये हो गया एक रूट, दो रूट चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट टू बाई थ्री, दोनों सही है। रूट रूट सेम है, कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक रूट तो आप निकल गया, यहाँ तक कॉपी करो। दूसरा निकालना है तो ये भी तो सेम है ना, ये वाले टर्म तो सेम है, ये वाला टर्म भी सेम है, तो इसका भी ऐसे ही इक्वेट करना जीरो से, ऐसे ही ये करना, ये माइनस रूट टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू ये नीचे चले जाएगी, तो सेम वैल्यू आएगा। तो x की दो वैल्यू कौन सी हो गई, एक ये रूट है और दूसरा रूट भी सेम होगा, दैट इज टू बाई थ्री। ये दोनों आंसर होगा, ठीक है, ये दोनों आंसर होगा, एक साथ करके लिख सकते हो आप, ठीक है, नोट कर लो आप। तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं बना रहा हूँ, पहले आप खुद से ट्राई करो। तो ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ वन लिख दो, यहाँ वन लिख दो, आप इसका क्या ले लो एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम लेने आपको आता ही है, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एट आएगा, वन वन एट है तो एट आएगा। अब देखो वन से एट को डिवाइड करो, वन से एट को डिवाइड करो तो कितना आएगा एट, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख देना, ये जो पूरी वैल्यू उसको एज इट इज़ लिखना, इनटू, ध्यान दो इनटू, है ना, वन एट जा, तो आपको यहाँ एट लिखना है। उसी तरह बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो आपको माइनस लिखना है इस तरह से। एक्स है तो उसको पहले एक्स तो लिख ही दो यहाँ पर ऐसे, एक्स तो आपको लिख ही देना है ऐसे, यहाँ पर जो है उसको ऐसे एज इट इज़ लिख ही दो। अब यहाँ कितना है वन, तो वन एट जा, तो एट आया इसलिए इनटू क्या करेंगे एट। अब प्लस क्या लिखेंगे, प्लस वन। अब यहाँ एट है, एट से इसको डिवाइड करो, एट वन जा, वन आ रहा है, तो वन से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एट टू जा सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, एट को उस साइड भेज दो, कुछ नहीं है मतलब जीरो बाई वन है, एट को उस साइड भेज दोगे तो जीरो इंटू एट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमको इसको क्या करना है, वही मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन हम इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर रहे हैं, ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, ट्राई करो। देखो मैंने बताया था ना, ये पूरी टर्म को क्या लिखोगे, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ कितना है पूरी टर्म वन है, तो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, 16 का फैक्टर निकालो, तो 16 का फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालेंगे फैक्टर 16 का, ऐसे ही निकालेंगे। ये जब आप बहुत अच्छे से बनाने लगोगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो ये सब करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपको देख के समझ में आ जाएगा। ये तो इनिशियल स्टेप, इसलिए मैं आपको आराम से धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, नहीं तो आपको डायरेक्टली देख करके बता दोगे कि ये 4 जा 4 होगा इसका आंसर, ठीक है, 16 आएगा 4 जा 16, लेकिन अभी आप मैं आराम से बता रहा हूँ, चलो 4 जा 16 होता है। तो 16 का मतलब क्या है, 16 इज इक्वल टू 4 × 4, ठीक, लेकिन हमको कितना चाहिए, माइनस एट एक्स चाहिए ऐड सब्ट्रैक करने से, तो माइनस फोर एक्स इंटू माइनस फोर एक्स लिख सकते हैं,
तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस 16x स्क्वायर। तो प्लस 16x स्क्वायर तो हमको मिल ही रहा है, प्लस 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से ये मिल रहा है, और -8x कब मिलेगा, जब हम ऐड करेंगे, दैट इज़ -4x। -4x करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -8x। तो आपको क्या करना है, इस -8x की जगह में, इस -8x की जगह में ये वैल्यू रखना है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल हमको 16 दे रहा है, जो हमको चाहिए था 16x स्क्वायर। समझ में आया ना, इसको सोचो, अच्छे से सोचो, ठीक है, फिर खुद से बनाओ। अब क्या करना है आपको, इसके जगह में ये दोनों वैल्यू को यहाँ रख देना है। करो ट्राई खुद से। ठीक है, इसके जगह में रख देना है, कौन सी वैल्यू को, -8x की वैल्यू को। तो यहाँ रखो, आ गया आंसर। तो यहाँ इसको रख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 16x स्क्वायर -4x -4x। 8x के जगह में -4x -4x लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 8 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस का साइन इसलिए माइनस आया, +1 = 0। आप देखो 4 के टेबल में 16 आता है, x है, 4 के टेबल में 16 आता है, ठीक है। तो आप ले लो 4, यहाँ पर कॉमन लेके बनाओ, तो कितना आएगा ये, 4x कॉमन ले लो, क्योंकि x यहाँ छोटा है, छोटी वैल्यू को हम हमेशा कॉमन लेते हैं। तो 4x कॉमन आ गया, तो 4x इधर आ जाएगा, 4 4 16, -1। अब ध्यान देना, यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तो सबसे छोटा 1 है, तो 1 लेना पड़ेगा आपको कॉमन दोनों में। ये दोनों में छोटा क्या है, 4x तो है, यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 छोटा वैल्यू है, तो 1 को लेना पड़ेगा कॉमन, और यहाँ लिखना होगा एज इट इज़ 4x। अब ज़रा ध्यान देना, आप माइनस साइन लिखे हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज़ माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। चेक करने का तरीका आपको बताए थे, आप ये दोनों को चेक कर सकते हो, ये दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, 4x - 1 को कॉमन ले लो, ठीक है। आप जब इसे कॉमन लोगे तो ये कितना आया, 4x आया, और ये कितना आया, -1 आया, दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों तो सेम टर्म है, तो एक का रूट निकालो, दूसरा भी वही होने वाला है, ठीक है। आप इसको नोट करो यहाँ तक, तो रूट निकाल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, आप इस जितना भी मैंने पढ़ाया हूँ, इससे आपको 4.2 का स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम भी अगर कोशिश करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पार्ट टू करके बनाएंगे इसका वीडियो। तो हम इसे इक्वेट कर देंगे 0 से, यानी 4x - 1 = 0। तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये +1 + 1 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, क्योंकि जो साथ में रहता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, याद रखो, जो साथ में रहता है वो डिनोमीटर में चला जाता है। तो x की एक वैल्यू तो निकल गई, दूसरी भी वही है, तो दूसरी भी क्या होगी, 1/4 ही होगी, ये दोनों आंसर होगा, यानी ये दोनों रूट होगा। तो मैंने जितने तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए, एक रूट वाला कराया, रूट वाला का हिंट भी आपको बताया, अच्छे से बनाना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक 1/2 वाला था, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना, और एक बेसिक क्वेश्चन है, तीन टाइप के क्वेश्चन है, आप NCERT में बना सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। थैंक यू।